सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल आने वाली मार्वल स्टूडियोज की हर एक मूवी के बारे में। मार्वल स्टूडियोज सोनी और फॉक्स के रास्ते में कई मार्वल मूवीज हैं। यहाँ हर वो मूवी है जिसकी आप आने वाले सालों में उम्मीद कर सकते हैं। जब लोग मार्वल मूवीज के बारे में सोचते हैं तो वो आमतौर पर एमसीयू के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसमें चौंकने की बात नहीं है क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी बन गई है और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू बिखेर चुकी है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल 2022 खास तौर पर मार्वल और डिज्नी की नई जानकारी के लिए जिम्मेदार था, जिसने एमसीयू की ब्लेड रिबूट और कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी मूवीज की रिलीज डेट बताई है। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बाद से एमसीयू फेज 5 ऑफिशियली तौर पर शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में 2023 में आने वाली एमसीयू और सोनी मूवीज की पूरी डिटेल शामिल है। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटमेनिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटमेनिया की, जो आ रही है 17 फरवरी 2023 में। तो ये एंटमैन फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी होने जा रही है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल 2022 की सबसे खास मार्वल अपडेट्स में से एक ये भी है कि एंटमैन 3 एमसीयू के फेज 5 की पहली फिल्म होगी, यानी कि एंटमैन फेज 5 की शुरुआत करने जा रही है। एवेंजर्स एंडगेम में एमा फर्मैन ने कैसी लैंग का रोल प्ले किया था, मगर इस बार उनकी जगह कैथरीन न्यूटन कैसी लैंग का रोल प्ले करेंगी। एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटमेनिया काफी लंबे समय के इंतजार का तोहफा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे आइकॉनिक विलेन कैंग दी कॉन्करर यानी कि जोनाथन मेजर्स बड़े पर्दे पर एक अहम रोल निभाने जा रहे हैं और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी स्टार्टिंग है। एंटमैन 3 के ट्रेलर में जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मोडॉक के कदम पड़ना। दोस्तों, तबाही मचने वाली है। गार्डियंस ऑफ दी गैलेक्सी वॉल्यूम 3। दोस्तों, अब बात करेंगे गार्डियंस ऑफ दी गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में। तो हमारे पास अब गार्डियंस ऑफ दी गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर है और उसकी कंफर्म रिलीज डेट हमें पता चल गई है, जो है 5 मई 2023। गार्डियंस ऑफ दी गैलेक्सी 3 का मूवी प्लॉट अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मूवी रॉकेट रकून की बैक स्टोरी पर करीब से नजर डालेगी और पीटर क्विल गमोरा के एक वर्जन के साथ काम करेगा जो उसे याद भी नहीं करती। हालांकि थॉर लव एंड थंडर में गार्डियंस ऑफ दी गैलेक्सी के आने के बाद पूरी कास्ट की वापसी की बात साफ हो गई है। और आखिरकार विल पॉल्टर 2017 की गार्डियंस ऑफ दी गैलेक्सी 2 के बाद अब एडम वारलॉक और हाई इवोल्यूशनरी को बिग स्क्रीन पर लाने जा रहे हैं, जो कि मार्वल कॉमिक बुक के बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। अगली आने वाली स्पाइडरमैन मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स है, जो 2 जून 2023 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2018 की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के सीक्वल को आने में हद से ज्यादा समय लग गया है। खैर, सोनी ने अपना टाइम लिया अपने विजुअल्स इफेक्ट के साथ, और ले भी क्यों ना, बेहतर चीजें बनने में टाइम तो लेती हैं। और अब सबसे अहम बात, ट्रेलर इस बात को कंफर्म करता है कि ग्वेन स्टेसी माइल्स मोरेल्स की अर्थ पर लौटती है ताकि उसे एक और स्पाइडरवर्स एडवेंचर में शामिल किया जा सके। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ने शुरू में 2022 की रिलीज डेट फिक्स की थी, लेकिन सोनी ने अब इसे 2023 की समर्स में वापस ढकेल दिया है। स्पाइडरवर्स 2 पहले से ही एक शानदार ट्विस्ट ले रहा है, क्योंकि इसमें जैपनीज स्पाइडरमैन को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। दी मार्वल्स। आने वाली मार्वल फिल्मों में दी मार्वल्स थोड़ी हटकर है, क्योंकि ये एक एमसीयू मूवी और एक डिज्नी प्लस सीरीज दोनों की अगली सीक्वल है। कैप्टन मार्वल का पहला एडवेंचर अभी भी उनकी एक बड़ी सक्सेस है, और इसी तरह इसमें कोई डाउट नहीं कि बैरी लार्सन की कैरल डेनवर 28 जुलाई 2023 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब ऑफिशियली तौर पर दी मार्वल्स को फिर से रिटाइटल्ड किया गया है। नेक्स्ट सीक्वल में कैरल अब बड़ी हो चुकी मोनिका रैम्बियू और कमला खान के साथ फोर्सेस में शामिल होंगी। इमान वेलानी ने एमसीयू की शुरुआत डिज्नी प्लस सीरीज की मिस मार्वल से की। डिज्नी प्लस शो ने दी मार्वल्स के लिए बहुत सारे ऑफर्स रखे, खास तौर से मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ, जिसमें कैरल और कमला खान ने अपनी जगह के साथ अदला बदली कर ली, जिसमें कैरल कमला के बेडरूम में घूमते हुए नजर आई। क्रेवन दी हंटर। दोस्तों, क्रेवन दी हंटर के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्रेवन दी हंटर की ओरिजिन स्टोरी पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। क्रेवन की ओरिजिन स्टोरी में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें शामिल है जिन्हें देखकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो अब एक नजर क्रेवन दी हंटर पर डालते हैं। नॉन एमसीयू अपकमिंग मार्वल डेट्स में क्रेवन दी हंटर का भी नाम शामिल है, जो कि रिलीज होने जा रही है 6 अक्टूबर 2023 को। वेनम और मॉर्बियस के नक्शे कदम पर चलते हुए सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स स्पाइडरमैन के सबसे खतरनाक विलन पर फोकस होगी। और अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि क्रेवन दी हंटर सोनी की फिल्म सिनिस्टर 6 का हिस्सा होगी या नहीं।
हालांकि क्रेवन स्पाइडरमैन की मोस्ट डेडली टीम सिनिस्टर सिक्स का एक अहम हिस्सा था। प्रोडक्शन हाउस ने मई 2021 में एक बड़ा गैप लिया था। हालांकि अब एरन टेलर जॉनसन क्रेवन दी हंटर का आइकॉनिक रोल प्ले करेंगे। दोस्तों, मार्वल की मूवीज का रिलीज डेट कैलेंडर हमारे लिए किसी क्रिसमस गिफ्ट से कम नहीं। MCU 4, 5 एंड 6 जिसे ऑफिशियली तौर पर दी मल्टीवर्स सागा करार दिया गया है। 2024 में आने वाली मार्वल मूवीज की रिलीज डेट क्लियर हो चुकी है, तो आइए एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। यहाँ सभी मार्वल मूवीज हैं जो 2024 और उसके बाद रिलीज होने वाली हैं। मैडम वेब जो कि रिलीज होने जा रही है 16 फरवरी 2024 में, और अगर आपको जानना है कि मैडम वेब कौन है, उनकी ओरिजिन स्टोरी क्या है, तो उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उसमें दी गैदरिंग ऑफ फाइव नाम की एक खास सेरेमनी है जो आपको दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की आने वाली मूवीज को समझने में हेल्प करेगा। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पार्ट 2 जो रिलीज होने जा रही है 29 मार्च 2024 को। कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कि रिलीज होगी 3 मई 2024 को। थंडरबोल्ट्स ये मूवी रिलीज होगी 26 जुलाई 2024 को। ब्लेड ये मूवी रिलीज होने जा रही है 6 सितंबर 2024 को। डेडपूल 3 8 नवंबर 2024। फैंटास्टिक 4 14 फरवरी 2025। एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी 2 मई 2025 एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 1 मई 2026। खैर, ये तो था मार्वल स्टूडियोज की तरफ से हम सबके लिए एक बड़ा तोहफा, क्योंकि मैं तो बेसब्री से इन सभी मूवीज का इंतजार कर रहा हूँ। मगर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी आने वाली है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।